ये रोज सुबह खाली खाने की बात बिना द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफर फरीद। आज भारतीय फ़ौज की जानिब से बनी के डुगन इलाके में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और यहां पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों का चेकअप हुआ। ये चेकअप जो था वो फ्री था और इसके साथ साथ जो है वो लोगों को मुफ्त अद्वियात भी जो है वो फराहम की गई। अभी यहाँ पर जो है वो बनी असम्बली हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर भी पहुँचे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था कैंप और क्या कुछ जानकारी जो है वो इस कैंप के हवाले से देना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप के हवाले से? पहले तो मैं जो आर्मी यहाँ पे डिप्यूट हुई है 7 सिकलाई, उनका दिल की गहराई से पूरे बनी की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने यहाँ बनी के दूर दराज इलाके में और गरीब लोगों के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और जिस कैंप में लोगों को फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोगों ने इस कैंप का बेनिफिट उठाया। और इसके साथ साथ यहाँ गुरु नानक देव जी की जयंती पे इन्होंने एक लंगर ऑर्गेनाइज किया था और लोगों को फ्री लंगर की सेवा भी दी जी। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे बनी में जो आर्मी है लोगों के लिए इस तरीके से काम कर रही है जी। क्योंकि आज तक हमें यही लगता रहता था कि आर्मी बॉर्डर पे रह के सिर्फ देश की सेवा करती है, लेकिन आज पता चला कि आर्मी देश के अंदर रह के भी लोगों की सेवा करती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है और पूरे इलाके का ख्याल रखती है। तो और जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, मैं एक बात समझता हूँ कि जो डिसिप्लिन आर्मी में है अगर वही डिसिप्लिन भारत के हर एक नागरिक को आ जाए तो मुझे लगता है ये देश जो है सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनेगा जी। और ये डिसिप्लिन मुझे लगता है हमें इनसे सीखना चाहिए जी। यही डिसिप्लिन की ज़रूरत है हमारे देश को, हमें हम सभी को, जिससे मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुंदर बन सकता है। सर, क्या लगता है इन मेडिकल कैंप से जो है वो लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है और कितनी खिदमत जो है वो लोगों की हो सकती है? अगर आपकी बात करें तो आप भी जो है वो इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों को कहते थे कि मैंने 2000 मेडिकल कैंप्स लगाए। मुझे लगता है कि शायद उसकी बिना पर भी लोगों ने आपको वोट किया होगा। और जब बनी में आपने हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया तो वहाँ पर भी कहा गया था कि डॉक्टर की सेवा को यूँ ही मत समझिए, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो आज MLA बन गया जिसकी सेवा को देख कर लोगों ने जो है उसे वोट किया। तो क्या लगता है कितनी अहमियत रखता है ये मेडिकल कैंप लोगों में? देखिए, बनी एक बहुत पहाड़ी और दूरदराज का इलाका है, यहाँ पे डॉक्टर आना प्रेफर नहीं करते। अभी मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात की है तो यहाँ पे एक डॉक्टर डिप्यूट किया गया, लेकिन सुनने में अभी तक आया कि वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो उस मैटर को मैं फिर से हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास लेके जाऊँगा कि यहाँ पे वो ज्वाइन करें। और इन एरियाज़ में जो पहाड़ी इलाके हैं दूरदराज, यहाँ पे डॉक्टर की पोस्टें नहीं है, ज़रूरत तो डॉक्टर की सबको है, वहाँ पर डॉक्टर पहुँच नहीं सकते तो वहाँ पर कैंप्स लगाए जाएँ तो लोगों को बेनिफिट्स मिल सकता है। यही एक काम जो है अभी हमने BMO साहब से बात करके शुरू किया है जी। जैसे सित्ती में हाल ही में 2-4 दिन पहले एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जी। सित्ती, भंडार, रोलका और ढंडीगुटू में हर महीने मेडिकल कैंप हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये BMO साहब से हमने बात की है, उन इलाकों में हर महीने एक मेडिकल कैंप लगेगा जहां पे डॉक्टर नहीं, लोग जो हैं जहां डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते वहां हम डॉक्टर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर रोज नहीं पहुंच सकता तो महीने में एक बार वहां पे डॉक्टर को पहुंचा के विद मेडिसिन ताकि लोगों पे कैंप्स लगा सकें। और वही चीज़ हमारे आर्मी जवान भी कर रहे हैं तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है लोगों के लिए। इस तरीके के कैंप्स अगर लगते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर मिलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनका बहुत लंबा सफ़र कठुआ का, जम्मू का, बनी का सफ़र बच जाता है। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय जी। ये थे हमारे साथ बनी के रुकने असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ अहमियत मेडिकल कैंप्स के हवाले से इन्होंने बताई वो आपने सुनी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।